हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। दर्द होता नहीं सभी के लिए, है ये तोहफा किसी किसी के लिए। दर्द होता नहीं सभी के लिए, है ये तोहफा किसी किसी के लिए। सौ चिरागों से कुछ नहीं होता, एक काफी है रोशनी के लिए। सौ चिरागों से कुछ नहीं होता, एक काफी है रोशनी के लिए। जो लोग जा रहे हैं बहुत पछताएंगे। लखनऊ का वो लहजा, फैजाबाद शहर का वो अच्छा शायर आपके डाइस पर मौजूद है। 12:15 बजे वादा है, सलाम इंशाल्लाह हो जाएगा। आप कहीं ना जाएं, जाएंगे तब भी आपको नींद नहीं आएगी। सरकार की नात आप सुन करके जाएं, न हुकूमत के न जरदार के आगे पीछे। बोल लीजिए सुभान अल्लाह। न हुकूमत के न जरदार के आगे पीछे, जब चलो तो शहे अबरार के आगे पीछे। न हुकूमत के न जरदार के आगे पीछे, जब चलो तो शहे अबरार के आगे पीछे। जो अंधेरे में है वो थाम ले दामन उनका, जो अंधेरे में है वो थाम ले दामन उनका। रोशनी चलती है सरकार के आगे पीछे, रोशनी चलती है सरकार के आगे पीछे। जो अंधेरे में है वो थाम ले दामन उनका, रोशनी चलती है सरकार के आगे पीछे। जब दुआ और दवा से न कभी बात बने, जब दुआ और दवा से न कभी बात बने। जिक्रे सरकार हो बीमार के आगे पीछे, जिक्रे सरकार हो बीमार के आगे पीछे, जिक्रे सरकार हो बीमार के आगे पीछे, जिक्रे सरकार हो बीमार के आगे पीछे। हजरत, पूरे हिंदुस्तान में नबी की नात पढ़ने वाला वो अनोखा मद्दाहिर रसूल, शानदार शायर, बहुत अच्छी शायरी करने वाला वो बेहतरीन मद्दाहिर रसूल आपके डाइस पर पूरी तरीके से वो तैयार बैठा है। बड़ी मोहब्बत से, तहजीब से नाते रसूल पेश करता है शहनशाह तरन्नुम शायर हिंदुस्तान जनाब तहजीब लखनवी से। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, सुना है उनके लबों से गुलाब झड़ते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है दिन में उन्हें तितलियां सताती हैं, सुना है रात में जुगनू ठहर के देखते हैं। दोनों हाथों को फिजाओं में लहराइए, बड़ी तेजी के साथ उनका इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। के उनके उल्फत को जो सीने में बसा लेते हैं। बहुत अच्छे। हाँ रईस भाई देखें। के उनके उल्फत जो सीने में बसा लेते हैं, बसा लेते हैं। उनके उल्फत को जो सीने में बसा लेते हैं, उनके उल्फत को जो सीने में बसा लेते हैं, बसा लेते हैं। उनके उल्फत को उनको सरकार मदीने में बुला लेते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने सरकारों में से मिलना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप जितना मैं सोचा नहीं था उससे कहीं अच्छा सुन रहे हैं बाबू। तहजीब फिर पढ़ दो, बहुत अच्छा पढ़ लो। पूरा जमा झमके बोल दीजिए सुभान अल्लाह।
कि उनके उल्फत को जो सीने में बसा लेते हैं, बसा लेते हैं, बसा लेते हैं। उनकी उल्फत को जो सीने में बसा लेते हैं, उनके उल्फत को सीने में बसा लेते हैं, उनको सरकार मदीने में बुला लेते हैं, उनको सरकार मदीने में बुला लेते हैं, उनको सरकार मदीने में बुला लेते हैं। अब एक शेर हदीस पाक रोशनी में, रसूल पाक फरमाते हैं, मनसारा कब्री वजबत लहू शफाती। वाह वाह वाह। कि उनको सरकार मदीने में बुला लेते हैं, कि जिनको मिलता है मदीने की जियारत का शरा, जिनको मिलता है मदीने की जियारत का शरफ, के जिनको जिनको जिन जिनको मिलता है मदीने की जियारत का शरफ, जिनको मिलता है मदीने की जियारत का शरफ, जियारत का शरफ, जिनको मिलता है को मिलता है मदीने की जियारत का शरा, वो तो सोई हुई तकदीर जगा लेते हैं, वो तो सोई हुई तकदीर जगा लेते हैं, वो तो सोई हुई तकदीर जगा लेते हैं, जगा लेते हैं, वो तो सोई तकदीर जगा लेते हैं। भाई माइक बहुत अच्छा चल रहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह वाह, अच्छी सीटिंग है, बहुत अच्छा बज रहा, पूरा जमा झुक के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। और ये जो आप हजरत निम्रा एजेंसी को देख रहे हैं, कसम खुदा की 180 मुल्कों में आप देखे जा रहे हैं, आए हाय, अभी फिलहाल अभी की बात कर रहा हूँ, लाइव मेरे शाहरुख भाई दिखा रहे हैं। हाँ, और आप हजरत जितना अच्छा बोलेंगे उतना ही अच्छा फायदा भी है, और बाहर के लोग देखेंगे तो ये समझेंगे कि नहीं, हिंदुस्तान के लोग भी नाते बात सुनना जानते हैं, है कि नहीं? तो ये कब जानेंगे? जब बोलेंगे तब। हाँ हाँ, पूरा बदमाश झुमके बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कसम खुदा के जो आजकल के नौजवान बहक रहे हैं, जो इस अकीदे से उस अकीदे में जा रहे हैं, हाँ, उसको राही रास्ते पे लाने के लिए मेरे नौशाद भाई ये काम कर रहे हैं कि लोग सुन्नी उलमा के तकलीद सुने, हाँ, शोराई अहले सुन्नत के नाते पाक सुने, ताकि इससे लोग अपने रास्ते पे आ सके, है ना? पूरा आजमा झुमके बोल दीजिए सुभान अल्लाह। आओ जरा मचल के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। कि उनके उल्फत को जो सीने में बसा लेते हैं, बसा लेते हैं, उनको सरकार मदीने में बुला लेते हैं, बुला लेते हैं, उनके घर में नहीं आती है बलाएं हर किसी, उनके घर में नहीं आते कि उनके घर में, उनके घर में नहीं आती है बलाएं हर किसी, उनके घर में नहीं आती है बलाएं हर किसी, बलाएं हर किसी, उनके घर में उनके
के घर में नहीं आती है बलाएं हर किसे घर में जो परचम आबा से लगा लेते हैं घर में जो परचम आबा से लगा लेते हैं घर में जो परचम अब्बास लगा लेते हैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद या अली पूरा आवाज में बोल दीजिए सुभान अल्लाह आओ जरा दोनों हाथ आकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह अभी बोलेंगे ऐसे तो 3 घंटा पढ़ सकता हूँ ये आला हजरत का शेर है समझ रहे हैं हाँ और सैयद वैसे मुस्तफा का मुरीद है ये समझ लीजिए 3 घंटा पढ़ सकता हूँ मैं अल्लाह ताला ने मुझे वो ताकत दी है मैं ऐसे ही पढ़ता रहूंगा ऐसे ही खींचता रहूंगा ना आवाज फंसेगी ना मैं बैठ सकता हूँ बोले बोला है उतनी देर पढ़ना नहीं है बस बोले आप पूरा आवाज झमके बोल दीजिए सुभान अल्लाह देखे रईस भाई हाँ कसम खुदा की ये बेपनाह गौसे पाक का आप एहसान है गौसे पाक फरमाते हैं कि जब तक मैं नहीं जाता हूँ तब तक मेरा कोई नाम लेता नहीं लेकिन आप महफिल सजा रहे हैं उनकी गौसे पाक चाहे तब है कि नहीं पूरा आवाज झमके बोल दीजिए सुभान अल्लाह वन गुजर का रे मदीने में बुला लेते हैं कि भाग जाते हैं हमें छोड़ के मुश्किलें खुद ही के भाग जाते हैं हमें छोड़ के मुश्किलें खुद ही भाग जाते हैं हमें छोड़ के मुश्किल खुद ही मुश्किल खुद ही भाग जाते जाती है हमें छोड़ के मुश्किल खुद ही नारे है दर हम चा भी लगा लेते हैं नारे है दर हम चा भी लगा बहुत अच्छे बहुत अच्छे सुभान अल्लाह दर हम जा लगा लेते हैं नारे है नारे है दर हम जा भी लगा लेते हैं कोई एक आदमी खड़े होकर नारा बुलंद कीजिए हाँ इतना अच्छा शेर पढ़ा हूँ हाँ वाह 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 जवाब दीजिए भाई या रसूल अल्लाह बहुत अच्छे वाह 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 पूरा आवाज़ बोल दीजिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह के उन गुज़रगार मदीने में बोला लेते हैं लेते हैं जी लेते हैं उनके उल्फत को जो लेते हैं कसम खुदा की हाँ उस्ताद जो शोरा हजरत अल्लामा सिकंदरपुरी साहब दुआ फरमा रहे हैं पूरा आवाज़ झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह मेरे लिए यही काफी है ये समझ लीजिए पूरा आवाज़ बदल के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह के उन गुज़रगार मदीने में बुला लेते हैं कि सहमा सा नजर आता है नजदी उस दम पूरा आवाज़ कि सहमा सा नजर आता है नजदी उसे दम सहमा सा मासा सहम
मासा मासा नजर आता है नजदी उसे दवा जब भी दीवान कहे ना मेरा रजा लेते हैं जब भी दीवान कहे ना मेरा रजा लेते हैं जब भी दीवान कहे ना मेरा रजा लेते हैं रजा लेते नारे रिसालत फैजाने मखदूमे अशरफ फैजाने आला हजरत शहरे आला हजरत फैजाने बरेली शरीफ। अभी एक शेर अरशद भाई और हजरत अल्लामा शमी साहब को मिला के हवाले से बहुत अच्छा शेर। अब मैं देखना चाहता हूँ आप फरात अपनी माँ से कितनी मोहब्बत करते हैं। पूरा झुमके बोल दीजिए सुभान अल्लाह और जना बचल के बोल दीजिए यार रसूल अल्लाह कि उनसे अल्लाह उनसे अल्लाह भी राजी है नबी भी राजी भी राजी है नबी भी राजी के उनसे अल्लाह उनसे अल्लाह अभी राजी है नबी भी राजी उनसे अल्लाह अभी राजी है नबी भी राजी नबी भी राजी उनसे अल्लाह अभी से अल्लाह भी राजी है नबी भी राजी अपने माँ बाप को जो लो के मना लेते हैं अपने माँ बाप अपने माँ बाप को जो लोग मना लेते हैं अपने माँ बाप को जो लोग मना लेते हैं जिंदाबाद जिंदाबाद अपने माँ बाप को जो लोग मना लेते हैं सुभान अल्लाह माशाल्लाह। मक्ता पढ़ता हूँ पूरा आज हम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह और जरा बदल के बोल दीजिए यार रसूल अल्लाह जरा दोनों हाथ उठाकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह कि उनके उल्फत को जो सीने में बसा लेते हैं बसा लेते हैं उनके महफिल को महाबत से सजा कर तहजीब बोले बोले पूरा वजमा और जरा झमके बोल दो जो सुभान अल्लाह के दिल आया दिलदार आया दिल आया दिलदार आया दिल आया दिलदार आया दोनों जहां का प्यार आया सल्लल्लाह सुभान अल्लाह। जब पब्लिक नहीं बोलते तो ऐसे पढ़ता हूँ बोले आप माध्यम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह के उनके उल्फत को जो सीने में बसा लेते हैं उनके महफिल को महाबत से सजा कर तहजीब के उनके महफिल उनके महफिल को महाबत से सजा कर तहजीब सजा कर तहजीब उनके महफिल को उनके महफिल को महाबत से सजा कर तहजीब अपने सरकार को हम घर में बुला लेते हैं अपने सरकार
को हम घर में बुला लेते हैं, बुला लेते हैं अपने सरकार को हम घर में बुला लेते हैं, बुला लेते हैं उनके उल्फत को जो सीने में बसा लेते हैं, बसा